देखो बेटा, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का सवाल है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है। सोती सर ने दो बातें सिखाई थी, एक क्या बताया था, 2 रुपये 14 पैसे मास्टर साहब सिखाया था, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बहुत काम का है, इसमें भी काम आ रहा है। और एक यार फ्रिंज विड्थ बीटा देख लेना, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, है मैं राइट? इसमें हो क्या रहा है, ये आपका स्क्रीन है, यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। तो ये कह रहा है कि जो आपका फर्स्ट मिनुआ है, तो यहाँ तो मैक्सिमम मिलेगा आपको बेटा, ठीक, फर्स्ट मिनुआ आपको ये मिला, थोड़ा सा बड़ा कर लें तो कहने लगे जो फर्स्ट मिनुआ है माली यहाँ मिल रहा है, ठीक, ये पहला मिनुआ मिल रहा है आपके लिए। तो क्या होगा, पहला मिल रहा है तो ये तो जो आप वाई मान रहे हैं वही तो फ्रिंज विड्थ होगी, वही आपकी बीटा हो जाएगी, पहला ही मिल रहा है तो इसलिए जो यहाँ के लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वही आपकी फ्रिंज विड्थ है, ये एंगल थीटा हो गया, ये आपकी क्या होती थी, स्लिट मिलती थी, एम आई राइट? और यहाँ से इसकी स्मॉल कैपिटल डी स्क्रीन की दूरी होती है। अब देखिए बेटा, सोती सर ने क्या बताया, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये देखिए एंगल है, आर्क आपका क्या है, इस ट्रायंगल में देखिए वाई है, और रेडियस क्या है आपका, डी है, ठीक, जिसको आप कह सकते हैं बीटा इस केस में, क्योंकि पहले ही है, टीचर होती तो बात दूसरी थी, तो वाई से निकाल लेते हैं, वो भी तो मालूम है आपको। करना क्या है, ये आपका 2 डिग्री का था पहले इनिशियली, अब आपने इसको क्या करा, पानी में डाल दिया, थोड़ा पानी का रंग ले लें, दिखा ले पानी कोई नीला दिखा दें, ये वाला पानी ले लेते हैं, आपने इस एक्सपेरिमेंट को वाटर में कर दिया बेटा, आप देखिए को पानी देखिए, ना कैपिटल डी बदलने वाला ना आपका स्मॉल डी बदलने वाला, दोनों स्लिट के बीच की दूरी वही है, बदलेगा कौन, केवल आपका बीटा बदलेगा, एम आई राइट? आपका बीटा बदलेगा, आप रंग बदल लो, पानी बदल चुका है, नहीं तो हमको कुछ नहीं दिखेगा, रंग काला कर लेते हैं। बीटा किस पर डिपेंड कर रहा है, जब ये दोनों नहीं बदल रहा है तो बीटा लेमडा पे, जो पानी में हो गए लेमडा, हमने पूरे डिटेल में सिखाया है, आज नहीं सिखाएंगे, इतना ध्यान रखना कि लेमडा बाई म्यू हो जाता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल हो जाता है लिक्विड, यहाँ इसका मतलब है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो बीटा जो डैश है वो डिवाइड बाई म्यू हो जाएगा। कहना क्या चाहता हूँ, अगर आपको एंगुलर निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, डी सेम हो जाएगा, बीटा डैस बी बीटा अपॉन म्यू हो जाएगा, भाग कर दीजिए किसने करा है, डी तो आपके पास है ही, बस इसका मतलब हो गया थीटा अपॉन थीटा डैस, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, तो ये पहला दूसरा कट गया और ये तीसरा चौथा था, चौथा ऊपर चला गया, थीटा डैश निकालना था तो थीटा अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू, पहले आपका 0.2 था, म्यू कितना दिया आपको बेटा, 4/3, ले जाइए 0.6/4, 3/2, 0.15 डिग्री, अब आपकी नई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, दैट मीन्स 2 इज द करेक्ट ऑप्शन।